विगत 9 नवंबर से करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन होने के बाद इमरान खान ने जो ख्वाब देखे थे वे सब पतझड़ के पेड़ के पत्तों की तरह छिटक कर जमीन पर बिखर गए हैं। यानी करतारपुर साहिब आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु का $20 का सेवा शुल्क पाकिस्तान को मेवा खिलाने की बजाय उल्टे $27 के खर्च पर उसके खजाने में कमी कर रहा है। इमरान खान की योजना को मोदी सरकार ने बड़ी चतुराई से झुंझुने में तब्दील कर दिया है। शायद इसलिए बाजवा 9 नवंबर को करतारपुर साहिब में नहीं आए थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि उनके वजीर आजम ने नोबेल खान बनने के चक्कर में जो अंडा फोड़ा है उसमें ना बच्चा निकलेगा और ना आमलेट ही बनाई जा सकेगी। बाजवा का यह अनुमान आज सही साबित हुआ है। वह इस मामले में बड़े ज्ञानी ध्यानी साबित हुए हैं। मोदी सरकार को पेशो पस में डालने और गुगली चुगली के बड़े बड़े दावे करने वाले इमरान खान को बड़ी बुद्धिमत्ता से मोदी सरकार ने उल्टा घोड़ा बना दिया है। दरअसल इमरान खान ने करतारपुर गलियारे के नाम पर भारतीय सिख श्रद्धालुओं पर $20 का सेवा शुल्क निर्धारित किया था। पाकिस्तान का अनुमान था कि इस शुल्क से पाकिस्तान का खजाना लबालब भर जाएगा, जिससे भारत से मिली भीख से उसके मुल्क में भिखारी औसत दर में कमी आएगी। लेकिन मोदी सरकार ने यहां तो डाल डाल हम पात पात वाली नीति अपनाई है, जिसके बाद पाकिस्तान का खजाना बढ़ने की बजाय नुकसान ही उठा रहा है। भारत से करतारपुर जाने वाले सिख श्रद्धालुओं की तादाद 9 नवंबर को ही 5,000 से कम रही। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा है कि भारत ने उनके साथ धोखा किया है। तय यह हुआ था कि भारत प्रत्येक रोज 5,000 श्रद्धालुओं को करतारपुर साहिब दर्शनों हेतु भेजेगा, लेकिन 9 नवंबर के बाद यह संख्या प्रतिदिन 1,000 से भी कम है। कई बार तो 100-200 लोग ही करतारपुर आए हैं। मोहम्मद फैसल का तर्क है कि भारत जानबूझकर श्रद्धालुओं को करतारपुर भेजने की प्रक्रिया को लंबी खींच रहा है। पर सवाल यह है कि पाकिस्तान की इससे फटी क्यों है। दरअसल पाकिस्तान को करतारपुर साहिब की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य प्रक्रिया में काफी खर्च उठाना पड़ रहा है, जिसे यहां आने वाले श्रद्धालुओं से ही सेवा शुल्क के रूप में वसूल किया जाता है। किंतु श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी के चलते पाकिस्तान को यहां मोटा नुकसान उठाना पड़ा है। श्रद्धालुओं की कम तादाद के कारण उसका सुरक्षा व अन्य मदों में आने वाला खर्च जो का त्यों बना हुआ है। अगर पाकिस्तान भारत पर श्रद्धालुओं को भेजने की प्रक्रिया को बाधित करने के अनगरल आरोप लगा रहा है तो वह पूरी तरह मूर्खतापूर्ण विचार है। इस वक्त भारत और पाकिस्तान में सर्दी शुरू हो चुकी है। पंजाब में गेहूं की बुआई का सीजन चल रहा है, इस वजह से ही यह संख्या कम है। वैसे भी जब कोई श्रद्धालु एक बार करतारपुर साहिब में दर्शन करने आएगा तो वह दोबारा इतनी जल्दी नहीं जाएगा। ऊपर से पाकिस्तान ने पासपोर्ट आदि का झंझट पैदा करके अपनी ही योजना में अड़ंगा डाला है। खास बात यह है कि करतारपुर गलियारे के निर्माण में कंगाल पाकिस्तान ने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया है। पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान का अनुमान था कि सेवा शुल्क और दान की रकम से उसकी मोटी आय होगी। योजना तो यहां तक की थी, दूसरे फेज में करतारपुर में रिसोर्ट, होटल, पार्क और एक विशाल म्यूजियम तक बनाया जाएगा। लेकिन मुगलों की संतान है, ख्वाब देखना इनका सगल रहा है। बेहतर हुरों के लिए तो यह वैसे ही ख्याति पाए हुए हैं। लेकिन मोदी सरकार पाकिस्तान के मंसूबों को पूरी तरह समझ गई। भारत से मिली भीख से बेड़ा पार करने के सपने देख रहा पाकिस्तान अब तशरीफ पर नक्काशी कराकर खुद ही आईने में देख रहा है। शायद मोदी सरकार पहले से तय कर चुकी थी कि वर्तमान में जश्न करने वाली मदरसा पैदाइश को भविष्य में कैसे चक्कर घिन्नी करानी है। $20 देने का सौदा भारत ने वैसे ही स्वीकार नहीं किया था। उसके द्वारा लगाए गए वैध पासपोर्ट के अड़ंगे ने भारत सरकार की योजना को आसान कर दिया। ऊपर से भारतीय श्रद्धालु भी इस बोझ को सहन करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए वह किसी अवसर पर ही करतारपुर साहिब जाने के बारे में सोच रहे हैं। आज मोहम्मद फैसल भारत पर भड़क रहे हैं तो उसके पीछे उनकी वह टीस है जिसमें उन्होंने शेख चिल्ली के सपने देखे थे। सपने पूरे होने की बजाय जो तेल का पीपा सिर पर रखा था वह भी गिरकर जमीन पर फैल गया है। बाजवा चतुर था, वह इस झमेले से दूर रहा। अब आने वाले वक्त में नुकसान उठा रहे करतारपुर गलियारे का ठीकरा इमरान खान के सिर पर फोड़ा जाना लाजमी है।
इसका मतलब यह हुआ कि मदरसा बुद्धि गुरुकुल बुद्धि से न पहले जीती है न भविष्य में जीत पाएगी। जीते भी कैसे, बेहतर गुरु की खोज से फुर्सत मिले तब ना। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।